गाइज वेलकम टू द चैनल द सनलेस। और आज मैं जो रीडिंग लेके आई हूँ, मैं लियो के लिए लेके आई हूँ। इट्स टाइम इज 20 to 31st में, कि इस मंथ में 20 to 31st तक जो लियो की रिलेशनशिप के लिए रीडिंग लेके आई हूँ कि कैसा रहने वाला है। सो लेट्स टेक इट। एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो वॉच इट जनरली। ये एक जनरल रीडिंग है तो आप इसे जनरल तरीके से ही देखिए, और आप इसे सन साइन, मून साइन, वीनस साइन, किसी भी साइन से देख सकते हैं। अगर आप लियो हैं तो ही आप इसे देखें। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर रीडिंग। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस। तो वो मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ सो डैट हमें पता चल जाए। कार्ड शफल हो चुके हैं। सो द फर्स्ट कार्ड इज 9 of Swords, स्ट्रेंथ, 3 of Swords, द हाई प्रिंसेस, द हर्मिट, 7 of Swords, 4 of Pentacles, एंड द जस्टिस। सो दीज आर योर कार्ड्स लियो, 20 to 31st आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो सबसे पहले हमारे पास में कार्ड है 9 of Swords, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी इज अराउंड यू। किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी है आपके अराउंड, जिसमें आप अपने आप को फील कर रहे हो। एक जो पर्सन है ओवर थिंकिंग कर रहा है, टेंस या डिप्रेस्ड है अपने आप को थोड़ा सा। इसके आसपास बहुत ज़्यादा ब्लैक डार्क नेगेटिव वाइब्स मुझे दिखाई दे रही हैं। इसमें मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन है जो सबसे बाहर आना चाहता है। ही वॉन्ट सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ, पर उसको स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही। बहुत ज़्यादा अकेला से महसूस कर रहा है, परेशान सा फील कर रहा है। मे बी आपकी पास्ट की एनर्जी है, बट अब जो आने वाला टाइम मैं आपके लिए फील कर रही हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग चेंज लेने चेंज लेके आने वाला है। एक ब्यूटीफुल टाइम लेके आने वाला है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइम आने वाला है जो आपके लिए स्ट्रेंथ एंड जस्टिस लेके आएगा। यानी कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रहे हो। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इन सब से बाहर आना चाहते हो एक पॉजिटिव, तो फिर आपके पास में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। जो अगर आप अपने रिलेशन में कोई ब्लॉक आपकी कम्युनिकेशन था, या फिर अनसेटिस्फाइड थे आप अपने रिलेशनशिप, या पास्ट में कोई आर्ग्यूमेंट हो गई थी, तो एक सडन चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में। एंड आई होप सो डैट चेंजेस आर पॉजिटिव फॉर यू। एंड बट जो चेंजेस आएंगे वो बहुत ज़्यादा सडनली नहीं आएंगे, अचानक से नहीं आएंगे। इट विल टेक टाइम, बट स्टेप बाय स्टेप इन 10 days में मुझे आप दिखाई दे रहे हो। इन 11 days में स्टेप बाय स्टेप आप यू आर मूविंग टूअर्ड अ बेटर सिचुएशन। आप एक अच्छी सिचुएशन की तरफ मुझे स्टेप बाई स्टेप दिखाई दे रहे हो। यानी कि जो 11 days से आपके लिए बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव चेंज लेके आने वाले हैं, बहुत ही स्ट्रेंथ देंगे आपको। एंड इस वक्त आप हर्मिट की पोजिशन में यानी कि आप बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे आप एक वेटिंग पोजिशन में दिखाई दे रहे हो। आप इट मे हैपन कि आप किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, या अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप कोई एक्सपेक्टेड चीज़ का, आप किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हो, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उसकी तरफ मूव हो रहे हो। यानी कि वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, पॉजिटिविटी एंड अच्छे रिजल्ट्स के साथ आ रही है। आप एक अच्छे टाइम की तरफ मुझे आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। इन 11 days में एक अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। वो चेंजेस सडन नहीं होंगे, पर धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप, डे बाई डे आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आप एक अच्छे टाइम की तरफ मूव कर रहे हो। सो आई होप डैट दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू। आपकी जो 20 to 31st में है, जो डेज है, बहुत अच्छी तरीके से बीते। सो टिल द टाइम टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। एंड कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपसे कितने रेजोनेट हुई।